नमस्कार, मैं प्रिया धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्र सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को आगे और 5 साल बढ़ाने की घोषणा की है। इसकी जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट के माध्यम से दी है। पीयूष गोयल ने कहा है कि इस ट्रेनिंग स्कीम की मदद से 9 लाख युवाओं को सीखने और कमाने का मौका मिलेगा। सरकार की स्कीम के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो रोजगार के लिए सक्षम हो सके। भारत को लेकर तालिबान का रवैया अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो सका है। तालिबान के कार्यवाहक विदेशी मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के 10 नवंबर को पाकिस्तान के दौरे पर जाने से कुछ दिन पहले उनका एक सहयोगी यह पता लगाने के लिए एक मध्यस्थ के पास पहुंचा कि इस्लामाबाद में भारत से संबंधित कोई मुद्दा उठाया जाना चाहिए या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के जेवर में प्रस्तावित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। करीब 1330 एकड़ भूभाग में फैले इस हवाई अड्डे से सितंबर 2024 तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। पहले चरण में करीब 8914 करोड़ रुपए का निवेश होगा और यहां से सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की आवाजाही होने लगेगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के डेढ़ घराट के पास पहाड़ का एक हिस्सा देखते ही देखते भड़भड़ा कर गिर गया। हालांकि इससे किसी तरह की जानमाल की हानि की खबर नहीं आई है। वहीं अब मलबे के गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली सरकार ने एयर पोल्यूशन में सुधार को देखते हुए 29 नवंबर से स्कूल कॉलेज और सभी सरकारी दफ्तरों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। हालांकि गैर जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों के प्रवेश पर रोक 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को समन जारी किया है। वहीं कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति ने पेश होने के लिए कहा है। ठंड की दस्तक के साथ ही कई राज्यों के अपर बाजार, मेन रोड, वेंडर मार्केट सहित अन्य बाजार ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ गई है। वहीं विगत 2 साल की तुलना में इस वर्ष सप्लाई और डिमांड ठीक रहने से शहर के ऊनी कपड़े और उत्पाद के व्यवसायी उम्मीद के मुताबिक कारोबार होने की बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2 अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश दिया। साथ ही मतपत्रों की सुरक्षा और मतगणना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। उच्चतम न्यायालय ने चुनावों में सीसीटीवी की अनुपस्थिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिना किसी दखल के चुनाव की कवरेज की इजाजत देने को कहा है। ईचागढ़ के पूर्व भाजपा विधायक साधुचरण महतो के निधन से खूंटी भाजपा में शोक की लहर है। खबर मिलने के बाद सुबह से ही भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत कई भाजपा नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने उनके पैतृक गांव गम्हरिया प्रखंड के श्री डुंगरी गांव पहुंचे थे। इंडिया टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और उनकी पत्नी माता पिता बन गए हैं। क्रिकेटर की पत्नी नुपुर नागर ने बुधवार को नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है। कहा जा रहा है कि नुपुर को मंगलवार को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। यह खबर से क्रिकेटर के फैंस काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अब जांच में शामिल होने के लिए माया नगरी पहुंच गए हैं। उन्होंने आज तक से खास बातचीत करते हुए कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग देने वाले हैं और उन्हें देश की न्यायपालिका में भी पूरा विश्वास है। पिछले कई दिनों से परमवीर सिंह चंडीगढ़ में रह रहे थे। उन्होंने बताया था कि मुंबई में उनकी जान को खतरा है, ऐसे में वो वाहन नहीं आ सकते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इसमें केंद्र ने कोरोना को लेकर के सजग रहने की हिदायत दी है। मंत्रालय ने कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कुछ जिलों में साप्ताहिक जांच दरों में गिरावट पर चिंता जताई है। मोदी सरकार शत्रु संपत्तियों को बेचकर अपना खजाना भरने वाली है। पाकिस्तान चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों की तरफ से छोड़ी गई संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का पुनर्गठन किया है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार यह कमेटी 12,600 से ज्यादा अचल संपत्तियों को निपटान करेगी जिससे सरकारी को 1,00,000 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के तेवर पूरी तरह बदले नजर आ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 20% सड़कों को नई तकनीकी से बनाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में कैसी तकनीक अपनाई जाए, उसके मुताबिक सड़कें बनेंगी। इस दिशा में झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। कई देशों के द्वारा तेल के रिजर्व को प्रयोग में लाने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। इस मामले में लगातार आज 21वें दिन भी घरेलू स्तर पर सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने भाव को स्थिर रखा है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।
जहां एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के 16 साल पूरे होने पर जदयू जश्न मना रही थी, तो वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। नीति आयोग की आंकड़ों को लेकर तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, नीतीश के 16 साल बिहार सबसे बदहाल, नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के 7 सूचकांकों में भी बिहार की सबसे बुरी और खराब स्थिति है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मैनेजर सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और अंतिम तारीख आज है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया वो आधिकारिक वेबसाइट itiltd.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत सरकार हाल ही में शुरू की गई स्क्रैपेज नीति के तहत पुराने मॉडलों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे गए वाहनों पर अधिक कर रियायत प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार द्वारा अनुमोदित मारुति सुजुकी टोयोत्सो स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग सुविधा के हाल ही में आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि स्क्रैपेज नीति प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। भारतीय रेलवे ने थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। रेलवे ने 190 भारत गौरव ट्रेन सार्वजनिक निजी साझेदारी से चलाने का निर्णय लिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने तीनों केंद्रीय कृषि कानून को रद्द करने को लेकर अजब बयान दिया है। राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन इससे समाधान नहीं होगा। बिजली क्षेत्र में मोदी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। बिजली विधेयक ड्राफ्ट करीब करीब फाइल हो गया है। केंद्र सरकार संसद के शीत सत्र में इस सदन के पटल पर पेश करेगी। जानकारी के अनुसार जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उससे देश के बिजली कस्टमर सीधे प्रभावित होंगे। स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की परियोजना मार्च 2022 तक जारी रहेगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने की योजना चल रही है। स्मृति ईरानी ने यह भी बयान दिया है कि दिल्ली में आयोजित इफ्की CSR के कॉन्क्लेव में ये बातें कही गई हैं। नई दिल्ली के ट्रेड फेयर में 24 नवंबर को झारखंड राज्य दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश की लोक संस्कृति से लोगों को रूबरू करवाया गया। इस मौके पर राज्य के लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते देखे गए। इस मौके पर झारखंड पवेलियन के निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि राज्य दिवस पर मुख्य अतिथि झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, उद्योग तथा खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव पूजा सिंघल शामिल हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएं। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए मुआवजा पर्याप्त नहीं है। सर्दी बढ़ी तो रेल पटरियों के टूटने का खतरा भी बढ़ गया है। खासकर लूप लाइन में बिछी पुरानी पटरियों पर खतरा ज्यादा है। रेलवे ने इसके लिए PWI विभाग को अलर्ट कर दिया है। साथ ही नाइट पेट्रोलिंग भी शुरू करवा दी है। रेलवे इंजीनियर कहते हैं कि सर्दी बढ़ने पर पटरी में टूट की आशंका वैज्ञानिक कारणों से होती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चल रहे निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए 3,301 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की औपचारिक रूप से आधारशिला भी रखी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बीड़ बिलिंग में टैंडम उड़ानों को लेकर के बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। ये पुष्टि खुद बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के डायरेक्टर अनुराग शर्मा ने कही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पर्यटन विभाग को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया है कि आने वाले समय में उनकी एसोसिएशन से संबंध रखने वाले कोई भी पायलट टैंडम उड़ान नहीं करवाएगा। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के 313वें दिन 79 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं और इसके साथ ही कोविड टीकाकरण 119 करोड़ से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण देर शाम तक जारी रहा, इसीलिए अंतिम संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां होने जा रही है। ये वैकेंसी DRDO के ब्रांच डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज में निकाली गई है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने वैकेंसी से संबंधित संकाय में डिप्लोमा कोर्स पूरा किया है वो इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आधिकारिक मीडिया के अनुसार चीन ने गुरुवार 25 नवंबर को परीक्षण के लिए एक नया उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। शियान 11 उपग्रह को कुआ झो 1A वाहक रॉकेट पर सवार इनर मंगोलिया के ज्यूकवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के अनुसार उपग्रह तब से अपनी निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर चुका है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोटिव यूट्यूब, पिंटू कुमार, राजेश कुमार, रजनीश कुमार, मोहम्मद मोसिएब हुसैन,
रजनीश सिंह यादव, रवि, राजेश कुमार, मोहम्मद साहिल, आनंद कुमार, दिवेश कुमार, रिया वर्मा, ज्योति कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही क्या आपके आसपास कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।